तरबूज हो गया है। ये देखिए, ये तरबूज, ये सब छोटा छोटा जितना तरबूज सब हुआ है, बोन मिल सब डाला हुआ है, चूना उना नहीं है तो केमिकल का मार्केट से ला सकते हैं क्या जी? इतना मेहनत क्या करेंगे, इतना मेहनत क्यों करेंगे यहाँ से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हैं अभी सूरज निकल ही रहा है। बहुत 5 बजे उठे हम लोगों ने। बच्चा लोग सो रहा है, घर का काम भी आराम से हो जाएगा। और इधर हमारा देख रहे भिंडी सब में फूल इतना अच्छा अच्छा हो गया ना दोस्तों। पर क्या हो रहा है ना, इसको खाद नहीं मिला सही से, इसीलिए अभी तक रात को तो इतना माथा दर्द दे रहा था। नहीं का तो तबीयत तो ठीक नहीं है, और गिर गया था ना, चीली चोट कट गया, देखिए कट गया ना, तो सोचे थोड़ा सा चोट लग गया है। पूरा इतना नोचनी टाइप में हो जा रहा ना, पूरा गला सब में, तब तो पहले से ही खोल दिया। धूप मतलब गर्मी रहता है दिन भर, आप हम बोलेगा फिर गोदना गोदाए तो उसके वजह से फिर छुरी नहीं, देखे कैसे ना निकल रहा जो कलर निकल रहा, कलर नंदनी का गोदना से कलर निकल रहा नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, थोड़ा ऊपर का सब निकलता है, बोलता ना पपड़ी हो निकलने लगेगा ना, तो सोचो कि गोदना अच्छा हुआ। अच्छा, पपड़ी निकल रहा तेरा, और क्या चाहिए, मत नोच रहा। सबको बोलता है कि कितना दर्द दिया, कितना दर्द दिया। दर्द तो देता है, किसी ने जो कैसे कर रही थी हमको, ऐसे पकड़ ली थी, दर्द नहीं देता है। अभी हम जा रहे हैं ना दोस्तों, इसमें ना खाद डालेंगे, इसमें कोई खाद नहीं डाले अभी तक, जो था गोबर वाला उसी से चल रहा है। और उतना ग्रोथ नहीं हो रहा ना, तो खाद लाए खरीद के, ऑर्गेनिक जो होता है लगे 1 किलो का 100 रुपया, तो सब मिक्स रहता है उसमें, हर चीज मिक्स करके देते हैं। अभी ये कभी बिछा दी लाए हैं, खीरा का दोबारा, और ये पोई पत्ता का कोना में साफ करके बो दीजिए। हाँ एक जगह लगा दें, उधर उधर तो है, उधर तो बहुत लगती है, मेरे तो इतना घास हो जाता ना, तो घास तो मत पूछो। बारिश हो रहा ना दोस्तों, आज रात में भी बारिश बहुत हुआ, मतलब कल इतना बारिश हुआ था करीब कितना 4 बजे से जो बारिश रात भर गिरा, तो वही सब घास को इतना पानी मिल रहा है लोग, एकदम पूरा मत पूछिए, एकदम सब तरफ वही हाल है। जो खाद देते हैं ना, भिंडी का जगह बरबट्टी में तो घास उग गया खाली, बरबट्टी कम नजर आ रहा है, घास से ज्यादा नजर। और इसमें क्या है, कीड़ा लग जा रहा ना, इसका फूल सब ना खत्म हो जाता है, इसलिए भी एक भी बरबट्टी नहीं हुआ। ये सब में भी उतना नहीं हो रहा क्योंकि सब में कीड़ा लग रहा है। अभी कितना छोटा छोटा करेला हुआ, इतना छोटा, ये खाने लायक थोड़ी है, जरी जरी हुआ है पूरा, जरी जरी हुआ, ये कहाँ हुआ है देखिए, ये अभी थोड़ा बड़ा होगा तब तो इसको खाएंगे। मेन बात खाद नहीं डाले ना, एक बार भी केमिकल वाला खाद देते ना तुरंत भर भरा वो, अब तो हम कितना खा भी लेते, अभी नहीं डाले एक भी, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक ही उगाना है। मेरे तरबूज भी वही हुआ है दोस्तों, सब तरबूज में भी फूल देख रहे कितना अच्छा फूल उगा है, सब में फूल उग जाता है। और क्या होता है ना, चींटी सब है ना जो खा जाता है, तो इसीलिए अभी इसमें हो रहा है तरबूज, आपको दिखाते हैं, छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा तरबूज हो गया है। ये देखिए, ये देखिए तरबूज, ये सब छोटा छोटा जितना तरबूज सब हुआ है। ये देखिए एक यहाँ पे इतना छोटा, देखिए नंदिनी के पास हाथ में है छोटा तरबूज, मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा हो गया, सेब जितना बड़ा किसी में हुआ है, किसी में नहीं हुआ, 4 पेड़ था इला, तो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फूल सब बहुत होता है, सुबह सुबह देख रहे कितना फूल है। अभी खाद नहीं डाले है ना, खाद डालेंगे तब जाके सबका ग्रोथ अच्छा से होगा, इसीलिए खाद मंगवाए थे। नंदन सरसों भी धोती है, कैसे हो गया पूरा, जलम गया है, जलम नहीं गया है इसको, देख रहे देखिए कैसे फुफुन जैसा। हाँ तो ही तो जन्म गया, तुम लग के छोड़ दी। हाँ एक दिन छूट गया था, इसीलिए तो ऐसा हो गया, जन्म जाता है तो तुरंत में अंकुर नहीं लगता है दोस्तों। और हम खाद जो लाए यहीं रखा हुआ है, अभिनंदनी खाना भी बना रही है सुबह जल्दी जल्दी, क्या बना रही है? इसमें बैंगन लौकी मिला के, और दोस्तों खराब हो रहा था ना तो सब मिक्स करके सब भुंजे टाइप में बना दिए, और इसमें दाल बना दी, इधर भात भी हो गया, बस 5-6 रोटी बनाना है। बहुत ही जल्दी हुआ आज, लेकिन नंदिनी का काम बहुत जल्दी, आपको टाइम दिखाते हम कितना जल्दी किए नंदिनी का। अभी देखिए दोनों का दोनों सो रहा है, तो जल्दी काम भी हो जाएगा नंदिनी का, और बच्चा भी तंग नहीं करेगा। देखिए 6:30 होने वाला है, अभी 20 हुआ है,
इतना जल्दी सारा काम हो गया नंदनी का, इसीलिए जल्दी वो उठने बोले था। आज उठी है तो सारा काम हो गया। दे रहा हमारा खाद, खाद दोस्तों पहले इसको तो खरीद के लाया तो इसमें सब मिक्स करके दिया है, तो बोला है कि घर पे अच्छा से मिक्स कर लीजिएगा, फिर आप सब में डालिएगा एक मुट्ठी, तब अच्छा से ग्रोथ करेगा आपका पौधा। सब बोला कि पानी भी डाल देने के लिए। हाँ तो बारिश तो हो ही रहा है, शाम में बारिश होगा अपना काम हो जाएगा। चलिए पहले इसको मिक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए 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 इसमें क्या क्या है, बहुत कुछ मिला हुआ है। नीम का खल्ली है, कोको पीट सब कुछ मिला हुआ है। कपू फूल जम रहा था, देखिए दो तीन दिन हो गया लाया हुआ। देखिए नीम का खल्ली है, ये लगता डाई है क्या, PW क्या इसको बोलता वो है, बोन मिल सब डाला हुआ है। ये चूना उना ये क्या है पता नहीं, वाइट वाइट तो बहुत कुछ मिला हुआ है, पाँच छः तरह का। इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे फिर इसको अपना खेतों में लगाएंगे। चलिए अच्छा से मिला लेते हैं पहले इसको। और इधर अभी आशीष जी का इधर काम हो रहा है, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, जो खाना बना के निकले ना सारा बर्तन तो सारा अजवार दे के धोना तो है ही। तो इधर आशीष जी हमारा रोप मतलब सब में खाद डाल रहे हैं जो बनाए हैं खाद। वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, मतलब रेडीमेड वाला नहीं है, ये सब अलग से लेके मतलब जैसे होता है ना क्या क्या का खली मतलब सब मिक्स करके दिया हुआ है। ₹150 किलो है ना जी, ₹100 किलो सोचे तेल का बराबर है, उतना है, एक किलो डेढ़ किलो तेल आता घर का। ₹20 का लाता ना ओला खाद तो काम हो जाता है। कौन ₹20 वाला खाद, वही उड़िया डाई वो दोस्तों व्हाइट और ब्लैक वाला नहीं होता उड़िया डाई, वो वाला लाने से ना तुरंत देने से ना बहुत भरभरा के बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये है ना ये केमिकल वाला नहीं है, क्या उगाएंगे तो केमिकल वाला क्यों उगाएं? अगर खाने हैं तो केमिकल का मार्केट से ला सकते हैं क्या जी, इतना मेहनत क्या करेंगे, इतना मेहनत क्यों करेंगे। आशीष जी का कहना है इसलिए बहुत मेहनत करते हैं, अमरूद गाछे दो दो ठो, फिर पपीता गाछे, नींबू गाछे, ग्रोथ नहीं हो रहा है किसी का, इसीलिए खाद लेके आए, इसलिए आशीष जी खाद लेके। टमाटर में खाद डाले थे तो आप लोग देखे थे कि कितना बेचारा छोटा सा पैर को इतना जतन, जैसे बच्चा को एक सेवा करते है ना तो उसी तरह से गाछ को आशीष जी सेवा करते है ना जी। तो नहीं करेंगे तो खाते के टमाटर खाए थे कितना पता, मगर ये बात है कि वो पैर पौधा का आप जितना सेवा कीजिएगा ना, आप जितना पाप कीजिएगा ना सारा कट जाएगा। भाग क्या बात करते हो, हाँ बोलता है कि ना कि जीव जंतु को पानी पिलाने खिलाने से, पैर पौधा को पानी देने से बहुत अच्छा होता है। हम तो स्वर्ग जाएंगे, सब तो हम स्वर्ग जाएंगे। आप बहुत सेवा करते हैं ना, तो पैर पौधा से पूछिए कि हमें कितना सेवा मिलता है उन्हें। चलिए सब में खाद डालते हैं दोस्तों, उधर ला में डालेंगे पहले छोटा, ये सब जितना छोटा छोटा है ना पहले सब में डाल लेते हैं। नींबू गाछी देखिए पैर में लगेगा जहाँ आप खड़े हैं, ये भगवान दोस्तों देखिए ये नींबू गाछ, ये देखिए सब में जंगल बड़ी हो रहा है ना, बड़ा तो हो रहा पहले बहुत छोटा था। इसमें अभी तो खाद कहाँ डाला है, एक बार खाद डाला है अभी तक नहीं डालिए, अभी ये सब डालेंगे ना खाद तो देखिएगा कुछ दिन बाद। अभी आशीष जी सारा में जितना है सारा में अभी खाद देते हैं, अब जा रहे हैं बर्तन धोने के लिए और कपड़ा धोना है। तो ये देखिए हमारा वहाँ पे बर्तन है कपड़ा है सब, और बूचन और गुल्लू दोनों सोया हुआ है, तब तक वो सोया है तब तक सारे घर का सारा काम कर लेंगे। झाड़ू मार के पोछा लगाना है, ऐसे बिस्तर में पूरा झाड़ते उड़ जाता तो झाड़ देते झाड़ के बिछा देते, मगर वो लोग उठेगा नहीं, अभी उड़ जाएगा तो काम करने नहीं देगा, फिर काम करने नहीं देगा। तो चले फटाफट आके जो काम है बिस्तर बाद में बाहर में ला के झाड़ देंगे ना जी, वो बाद में होगा, आगे ऊपर का काम कर लेते हैं, बर्तन वर्तन झाड़ू उड़ू मार लेते हैं। इस साइड में तो सब में दे दिए खाद, अब चलते हैं इधर देने दोस्तों, इसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसका घास दे रहे हैं सब, घास भी छाटेंगे और सब में दे देंगे, क्योंकि ज़्यादा तो इधर ही है मेरा मेन, इसमें अभी उगेगा तो सब्जी सब है ना, अभी करेला भी होने वाला है, खीरा तो एक ही पीस का है उसमें भी देंगे। चलिए जल्दी से इधर भी कर लेते हैं।
काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों करते करते, ये सब में ज़्यादा ही मेहनत लग रहा है, घास सब हटाना पड़ रहा है ना, फिर जाके खाद डालना पड़ता है, ऐसे डाल देंगे ना घास भी बड़ा हो जाएगा सारा घास, उसको जड़ से हटा दिए सबको, देखिए जितना ही बरबट्टी था सबको बांध दिए, नीचे पूरा फैल गया था ना, पता ही नहीं चल रहा था घास उखाड़े की, घास उखाड़ रहे ना तो बरबट्टी भी आदमी उखड़ जाए, ये सबको पहले बांधे फिर उखाड़े। मिर्चा पेड़ मेरा 3-4 ठो है वो दबा हुआ था तो उसको निकाल दिए, उसमें भी खाद दे दिए हैं, वो भी थोड़ा बड़ा होगा, उसमें फूल पूरा हो गया, मिर्चा आ रहा है, अरे पूरा इससे ना पूरा झक गया था बरबट्टी से, इधर का तो पूरा कर दिए हैं, इधर भी 4 ठो बैगन का पेड़ लगाया, देखिए 1, 2, 3, 4 बैगन का पेड़ हो गया है, और इस सब में भी खाद दे दिए हैं, बच्चा है ना थोड़ा इसमें इधर का घास कवाड़ रहे हैं, अभी काफ़ी मेहनत लग रहा है घास कवाड़ने में, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया दोस्तों, 12 बजने जा रहा है, धूप पूरा हार्ड हो गया है, पूरा पसीना से भीग गए, कल ये आपका 8 गो पेड़ है, बाकी इधर भी देना है खाद, वो सब नेनुआ है, बरबट्टी उधर भी है, टमाटर है, सब में देना पड़ेगा, आज मेरा हालत ख़राब हो गया, अभी बाकी आधा ही हुआ है, आधा और करना है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज ख़त्म करके ही जाएंगे दोस्तों, आज नहीं ख़त्म करेंगे ना दोस्तों फिर आज खत हो जाएगा ना, फिर आधा होगा आधा नहीं होगा, चलिए सबको एक ही बार कम्प्लीट कर देंगे, इधर के लिए अभी घास कवाड़ना है, जितना भी भिंडी है अभी भिंडी में सब दे देंगे, चलिए तो जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, तो वही कर रहे हैं तभी से भीड़े हुए हैं, हालत ख़राब हो गया, पानी भी पी के अब आते हैं, तभी से हम लगे हुए हैं, पानी तक नहीं पिए, तो पसीना दे रहे हैं, न लगता है नहा लिया, दे रहे एक गिलास पानी, यहाँ नंदिनी और गुल्लू खा रहा है, बाबू देखिए कहाँ बैठा है, कुछ की खा रही, रोटी है चटनी वो भी दोनों। ये वाला कपड़ा आशीष जी बोले ढीला ढीला ना अच्छा लग रहा है ना, झोला नहीं है ज्यादा गर्मी के लिए ना, झोला ही थी, आशीष जी बोले नाइटी की पहन लेती बबंकी जैसे लगती है कि कहाँ से आ गई है, नाइटी अच्छा नहीं लगता ना दिन भर नाइटी टांगे रहता है, इसलिए बोले कि टॉप ले लो, एक ही ट्रैक ठाल लेते थे तब तो, दे एक गिलास पानी दे दो, सादा पानी दे दे, पानी पीते दोस्तों, ये है कुमड़ा है कोहड़ा ना, हाँ वही कोहड़ा का कोहड़ा, अपना कोहड़ा हुआ था तो कभी नहीं बनाई चटनी, टाइम नहीं, गए थे ना उधर लेके, इसको जा रहे हैं धो देंगे और हल्का हल्का तावा में सेक देंगे, सेक के और लहसुन मिर्चा दे के सिलबट्टा में पीसेंगे, मगर सिलबट्टा नहीं है, यहाँ पीसो हमें, हाँ जाके पीस के आएंगे, आप नहाइएगा तब ना जाएंगे, अभी आधा बाकी आधा है करना है दोस्तों, बहुत जरूरी है आज, आज खत्म करना ही है, ये ना जब से उठी है ना कोई काम ही नहीं करने दे रही है, थोड़ा सा रोटी बनाना है और गुल्लू गया है सेव लाने के लिए, वो अपने से चल गया, बोलता पैसा दो तब ला दे रहे हैं, तो पैसा लेके गया सेव लाने के लिए, और इधर आशीष जी काम ही कर रहे हैं, पता नहीं इतना देर से क्या कर रहे हैं, नहीं हुआ जी पूरा देख रहे खेत में पूरा साफ उफ कर दिए, देखिए सारा पूरा देखिए सब पूरा ये था ना सारा साफ करके खाद उद सब डाल दिए हैं, देखिए बेचारा इतना मेहनत कर रहे धूप में, हो गया हो गया, अमरूद गाछ में देख रहे इतना घास उधर उतना घास, फिर वहाँ पे इतना घास निकाले, सब जगह छा टूट दिए ना, खत्म हो गया, अब चलते हैं नहाने के लिए, नहा नहीं जा, ये तो रोटी बनाने नहीं दे रही है फुचकी, सुला दो इसको, ये सोती नहीं है, सोला रहे जब इसे सो ही नहीं रही है, सिर्फ गोदी चाहिए बस, अच्छा हुआ कि हम खाना वाना मेरा बन गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, भूख इतना भयानक लगा, बोले चटनी पीसेंगे कोहड़ा पत्ता का, ये चटनी पीसने क्या देगी, मेरा चटनी बना रही है, तो नहा लीजिए ना, जा रहा से जी नहाएंगे अब ऑफ के बाद, फिर हम जा रहे खाने के लिए, नहीं तो वेट करते हैं थोड़ा सा नहा लेने के बाद, तब तक रोटी बनाते हैं, इसको चुप करा करा के ना फुचकी, ये देखिए आ गया बेटा, कितना का लाया, 10 रुपए का, देखिए 10 रुपए से इतना सारा इतना मिला है, इतना छोटा प्लास्टिक में, देखिए क्या हुआ बाबू पूछ रहे हैं, आ के रेडी हो गया दोस्तों, नंदिनी खाना बनाई कि नहीं रे, मना चीटी लग गया था आपका इतना देरी काम, ये क्या रखी है सब उजला उजला, अभी लक्ष्मण रेखा लगा हम तंग आ गए, इसका लक्ष्मण रेखा दोस्तों कोई काम का नहीं है, तो कैसे छुट्टी घुस गया, पहले छुट्टी घुस गया था फिर अभी लगा ना चीटी घुसने के, बहुत थक गया दोस्तों इतना काम किया ना, पूरा कर दिया है,
सुबह सुबह लगे हुए थे ना, ये सोचा आज खतरनाक कर देंगे, क्योंकि बार बार फिर खाद लाओ फिर डालो, एक ही बार डाल दिए खत्म। तो आज पूरा काम खत्म कर दिया दोस्तों, सब में खाद बढ़िया से पानी दे दिए, आप देखिएगा मस्त उगेगा भिंडी, करेला, खीरा सब उगेगा, तारबूज भी उगेगा, अब बैंगन भी लगा दिए हैं, बैंगन भी उगेगा कुछ दिन बाद। बैंगन में थोड़ा टाइम है अभी, क्योंकि वो अभी हाल ही में लगा है ना, तो अभी तो ज़्यादा नहीं, 5-5 इंची का पौधा है, जब वो जितना मेरा भिंडी ना उतना बड़ा हो जाएगा ना, तब उसमें आएगा फल। चलिए दाल रोटी सब्जी है, आपका ऐसा देख रहे हम खा लिए खाना, हमारा ऐसा में रहेगा तो भूखे रह जाएगा, हम बहुत लेट से खाते हैं दोस्तों। चलिए खाना खाते हैं, चलिए खाना पीना तो खा लिया आशीष जी, और अभी सो रहे हैं सभी, कोई बाबू सभी को सो रहे, क्यों रात को ना अच्छा से सोए भी नहीं थे, बाबू काफ़ी परेशान कर रही थी, हमें तबीयत भी ठीक नहीं है, देखिए सभी कोई फला थे उधर, सभी कोई माँ बाप बेटी बेटा सोए हैं, माँ सिर्फ जगी हुई है कि ऊपर पानी उनी भर रहे ना, नल अभी बंद हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो पानी सारा भर रहे थे और ये सब सारा चीज़ सूख गया है, हमारा सरसों तो सारा उठा के रखी मेरे से कितने अच्छा सूख गया है, उसको हल्का चुन चान के फटक के डब्बा में खोज के रखेंगे, डब्बा कहाँ मिलता है, लाएंगे खरीद के। और अभी तो देख रहे सब कोई अपना अपना काम ही, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। चलिए अब हम भी जा रहे, थोड़ा सा हम भी सोच रहे कि रेस्ट करेंगे, क्यों काफ़ी काम किए हैं, खाना ना जो खाए थे सारा बर्तन वर्तन धो धा के सब रख दिए हैं, और अभी हम भी आए खेत में ही घूम रहे हैं, सारा देख रहे जी कितना अच्छा से सारा साफ कर दी, इतना क्लीन, घास तो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है, इतना मेहनत किए बेचारा तो साफ तो हो गई दोस्तों। तो चलिए अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करने, फिर मिलते हैं आपसे। सो के भी उठ गए हम, काफ़ी मतलब थक गए थे इतना, अपने हाथ पे दर्द है इसलिए सोए रह गए, अभी जाके उठे हैं हम, 6 बज गया है, और इधर हमारा सब एकदम काफ़ी अब सुंदर लग रहा है देखने में भी, सब कुछ दिख रहा है, हम सभी को दिखा दिए कि आशीष जी इतना साफ करती, बाप रे अपने साफ नहीं किया सब कुछ, तो ये कचरा जितना था सब उठा लेता साइड कर देता जब इतना ही करना था, तो अब तो सो रहे थे बगो, सो रहा था इतना बनवास, मिनटों मिनटों उठती है, तेरा बच्चा क्या बताए, सब अभी सब सही है दोस्तों, खाद दूध दिए ना तो थोड़ा मतलब बढ़िया सा दिख रहा है सब में, अब देखते हैं क्या होता है, छोटा सा लॉकेट ला दीजिए ना, देखते हैं लॉकेट भी इसके लिए दे दो। चलिए तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।